नमस्ते, मैं पवन सिंह। मैथमेटिक्स इजी वे में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैथमेटिक्स इजी वे में मैं पवन सिंह आपका स्वागत करता हूँ। तो क्लास 9 का ज्योमेट्री का पहला चैप्टर हमने स्टार्ट किया है ऑनलाइन स्टडी में, और 1.1 यानी कि ज्योमेट्री का पहला चैप्टर बोले तो मूल भूमिति के मूलभूत संभोग, इसको हमने शुरू किया है। हमारे अभी तक 2 वीडियोस हो चुके हैं। ये तीसरा वीडियो है जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया है, और मैंने आपको कुछ सवालों को हल करने के लिए भी ये है, मैंने बोला है कि आप उस सवालों को हल करिए, और जो नहीं आता है आप उसे मुझे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, या आपके जो उत्तर आए हैं उसे भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और बताना है तभी तो मुझे पता चलेगा कि आप सॉल्व कर रहे हैं या नहीं। आज हम लोग 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, उसमें बोला गया है नीचे दी गई जानकारी के आधार पर, यानी कि कई सवाल उसमें है, मैंने उसमें से एक सवाल लिया है। पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 3 में भी 4-5 सवाल है, उसमें से पहला सवाल लिया मैंने, तो उसमें बोला है दी गई जानकारी के आधार पे बताइए कौन सा बिंदु अन्य 2 बिंदुओं के मध्य है। कौन सा बिंदु अन्य 2 बिंदुओं के मध्य है, कौन सा बिंदु, मतलब आपको हर एक प्रश्न में कितने बिंदु मिलेंगे, 3 बिंदु। आप देखो यहाँ पे जैसे नाम लिखा है TR, यहाँ नाम लिखा है PQ, यहाँ नाम लिखा है QR, इसमें कितने अक्षर आ रहे हैं, 3 अक्षर, एक P है, एक Q है और एक R है। तो इन 3 बिंदुओं में से कौन सा बिंदु बीच में आएगा, PQR होगा या QPR होगा, तो बीच में कौन आएगा ये आपको बताना है। साइड साइड में कौन जाएंगे और बीच में कौन सा बिंदु आएगा, इस चीज को आपको क्या करना है, बताना है। अगर बिंदु एक रेखी है तो बताना है, नहीं है तो नहीं बता सकते हैं कि कौन बीच में है। ये शर्त कब लगता है, जब बिंदु एक रेखी होगा तो, या उसे दूसरी भाषा में बोलते हैं मध्यता का संबंध होगा तो। हो सकता है वो यहाँ नहीं वहां पर हो, बीच में कैसे आएगा, पी यहाँ पर है, क्यू वहां पर है, आर वहां चला गया, तो बीच में आ रहेगा नहीं। तो बोला जब वो एक सीधी रेखा में होंगे, तीनों बिंदु जब एक सीधी रेखा में होंगे तो बीच में कौन आएगा, तब हमें बताना है कौन सा बिंदु बीच में आएगा। तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, देखना है, क्या देखना है, क्या ये तीनों बिंदु एक ही रेखा में है कि नहीं है। अगर एक रेखा में है तो कौन सा बिंदु बीच में आएगा ये हमें बताना है, एक रेखा में नहीं है तो हम बता नहीं सकते हैं कि कौन बीच में है। तो क्लियर करते हैं पहले हम लोग कि बिंदु उसमें से यह एक रेखा में है या नहीं। तो कैसे पता चलेगा कि बिंदु एक रेखा में है या नहीं, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो छोटी देखो 3 दूरियां दी गई है, पी से आर की दूरी 7 है, पी से क्यू की दूरी 10 है, क्यू से आर की दूरी 3 है, यानी कि इसमें 3 नंबर है, एक 7 है, एक 10 है और एक 3 है, 3 नंबर है ना यहाँ पे, 7, 10, 3। तो बड़ा कौन है इसमें से, 10। जो सबसे बड़ा होगा उसको क्या करिए, अलग कर लीजिए, अलग से लिख लीजिए। देखो हम लोग क्या पता करने जा रहे हैं, एक रेखी है या नहीं, इनमें से पता करने के सबसे पहले हमें पहला स्टेप क्या करना है, इन तीनों में से जो सवाल में 3 मान दिए रहेंगे उसमें से बड़ा कौन है उसको अलग से लिख लेंगे। तो बड़ा कौन था, 10, किसका मान है वो, पी से क्यू का, हम लोग लिख लेंगे डिस्टेंस ऑफ पी क्यू बराबर 10, इसको नंबर दे देंगे समीकरण नंबर 1। जो बड़ा रहेगा सबसे पहले उसको क्या करना है, अलग कर लेना है। अब बच गए कितने, 2, एक 7 बचा है और 3। अब जो ये छोटे छोटे हैं इनको क्या करेंगे, जोड़ेंगे, इनको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो किसको किसको जोड़ने जा रहे हैं, 7 वाले को और 3 वाले को, तो 7 वाले का दूरी किसका है, वो डिस्टेंस ऑफ पी आर, जोड़ेंगे मतलब कौन सा चीज लगाएंगे, प्लस, दूसरी कौन सा नाम है, डिस्टेंस ऑफ क्यू आर, यानी कि एक तरफ हमें क्या करना है, नाम लिखना है और बराबर के चिन्ह लगाकर दूसरी तरफ उसके
चलिए इसको वैसे उतारेंगे, डिस्टेंस ऑफ पी आर प्लस डिस्टेंस ऑफ क्यू आर, सात और तीन जोड़ के कितना हो गया 10। इसको बोलते हैं समीकरण नंबर 2। यानी कर क्या रहे हम लोग, बड़े वाले को पहले लिख ले रहे हैं और जो छोटे वाले हैं उनको क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। जोड़ने के बाद अब आपको पहले से इसकी तुलना करना है, क्या जोड़ने के बाद वह पहले वाले नंबर के बराबर आ रहा है या नहीं। अगर बराबर आया तो बिंदु एक रेखी है, यानी मध्यता का संबंध है, तीनों बिंदु एक रेखा में है। अगर बराबर नहीं आया तो इसका मतलब है कि बिंदु एक रेखी नहीं है। तो यहाँ क्या घटना घट रही है, ये भी 10 आया था और ये भी कितना आया 10, यानी बराबर आ रहा है। क्या बराबर आ रहा है कि डिस्टेंस ऑफ PQ बराबर है किसके, डिस्टेंस ऑफ इन दोनों का नाम लिख लीजिए, कारण क्या लिखोगे समीकरण 1 तथा 2 से। इस चीज को मैंने कैसे लिखा, मैंने देखा कि जो सबसे बड़ा था उसका मान 10 आया था और छोटों को जोड़ने पे कितना आया 10 आया, दोनों बराबर आ रहे थे इसलिए इसको ऐसा लिखा गया। तो लिखना कैसे है, जो बड़ा है उसका नाम जो है उसको यहाँ उतार दीजिए, अकेला देखा हो बराबर का चिन्ह लगा दीजिए और इन दो को जोड़ा आपने उसको यहाँ लिख दीजिए। बराबर है तो बराबर लिखना है, बराबर नहीं आएगा यहाँ 10-10 का बराबर है तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, बराबर लिखा है। अगर आपके दूसरे प्रश्न में बराबर नहीं आएगा तो आप इसको क्या करोगे, इसे काट दोगे। अब ये बराबर है यानी कि बिंदु क्या है, एक रेखीय है। तो अपना पॉइंट क्या लिखोगे, बिंदु पी क्यू तथा आर एक रेखीय है। एक रेखीय है कब, जब बराबर है। एक रेखीय अगर बराबर नहीं आया क्या लिखोगे, एक रेखीय नहीं है। अब बराबर है तो मध्यता का संबंध भी आपको बताना है, इन तीनों बिंदु में बीच में कौन आएगा। तो देखिए सबसे बड़ा जो रहेगा कौन है, पी और क्यू, जो सबसे बड़ा रहेगा उसमें वो दोनों बिंदु को क्या करना है, किनारे किनारे लिख देना है और बाद में जो बचा उसे को क्या करना है, बीच में लाना है। तो सबसे बड़ा है 10, किसके किसके बीच की दूरी है, पी और क्यू के। तो पी और क्यू कहां आ गए, किनारे किनारे पे आ गए, बच गया कौन बिंदु आर, तो आर क्या हो जाएगा, बीच में आ जाएगा। इस तरह से मध्य में बता देंगे, क्लियर, इसे नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाद में लिख लीजिए। एक सवाल और मैं कराऊंगा, इसके बाद बाकी सवाल आपको खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड लेते हैं, क्या लिखा गया है, डिस्टेंस ऑफ आर एस बराबर 8, डिस्टेंस ऑफ एस टी बराबर है 6 और डिस्टेंस ऑफ आर डी बराबर है 4। फिर से हम लोग क्या करेंगे, तीनों नंबर लिख लेंगे 8, 6, 4। तो बड़ा कौन है इसमें 8, जो बड़ा रहेगा उसको क्या करेंगे, अलग से लिख लेंगे पहले। तो डिस्टेंस ऑफ आर एस बराबर 8, इसको बोल देंगे समीकरण नंबर 1। सबसे बड़ा था ना, इसको अलग से लिख लिया। अब जो छोटे छोटे हैं उसको लिख देंगे 6 और 4 को, लेकिन उसके नाम क्या है, डिस्टेंस ऑफ एस टी जोड़ते हैं, जोड़ते हैं इसलिए कौन सा चिन्ह लगाएंगे यहाँ पे प्लस। दूसरा नाम क्या आ जाएगा, डिस्टेंस ऑफ आर डी बराबर, यहाँ नाम लिख लिया, अब बराबर की तरफ संख्या लिखेंगे 6 घन 4। तो डिस्टेंस ऑफ एस टी प्लस डिस्टेंस ऑफ आर डी का जो मान है वो कितना आ गया 10। इसको क्या बोलेंगे, समीकरण नंबर 2। तुलना करिए, ये 8 था और ये कितना है 10, बराबर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। अगर बराबर नहीं है तो क्या ये बिंदु एक रेखीय होंगे, नहीं, इसलिए यहां हम लोग लिख देंगे कि दूरी बराबर नहीं है। तो कैसे लिखते हैं, जो बड़ा है उसका नाम उतारा, बराबर का चिन्ह लगाया, अब ये बराबर नहीं है तो इसको क्या करोगे, काट दोगे और फिर ये नाम लोग लिख दोगे, डिस्टेंस ऑफ एस टी प्लस डिस्टेंस ऑफ आर टी।
किन समीकरण के माध्यम से? एक तथा दो से। अब ये बराबर नहीं है तो इसका मतलब आप बता देंगे कि बिंदु एक रेखीय नहीं है। कौन से तीन बिंदु हैं? आर है, एस है और टी है। तो आप बता दोगे आर, एस तथा टी एक रेखीय नहीं है। और एक रेखीय नहीं है तो मध्यता का संबंध का कोई सवाल होता ही नहीं है, इसलिए यहीं तक आपको लिखना है। जिसे भी आप नोट डाउन कर लिए। अब बाकी के कुछ सवाल बचे हैं, उसे आप जरूर करिए और मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए कौन एक रेखीय है और कौन एक रेखीय नहीं है। अगर नहीं आ रहा है तो आप उसको भी पूछ सकते हैं। थैंक यू। हाँ, अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए और शेयर भी करिए और एक लाइक बटन दबाइए। थैंक यू।